ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मन नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे और ये बनेगा। मोदी जी को ही वोट, मोदी को जाएंगे, मोदी होगा। ऐसा क्या कर दिया? ऐसा मेरा नाम मोहम्मद फौजाना और मैं बीजेपी का समर्थन हूँ, ठीक है, कट्टर भक्त हूँ। और 2024 में बीजेपी आएगी, 24 में बीजेपी, 24 में। और प्रधानमंत्री नहीं हुआ, विश्व में नाम कर दिया मोदी ने। अच्छा, हाँ, के लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए, मोदी के लिए, देश के लिए। अच्छा, बिल्कुल मोदी से अच्छा प्यार क्यों मोदी के लिए? क्या इतना प्यार क्यों? बिल्कुल देश से उसको प्यार है तो हमें उससे प्यार है। अच्छा, बिल्कुल उसके लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए, मोदी के लिए। राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी क्या, देश का है वो, सबका है, जो राहुल गांधी कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील धाकड़ एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे एसके रिएक्शन वीडियो में, यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आने वाले समय में 2024 की जो चुनाव अभी जो नज़दीक है, तो इन चुनाव को लेकर जो जनता जनार्दन है वह किस बारे में सोचती है 2024 में, कि जो राहुल गांधी है वह प्रधानमंत्री बनने लायक है, बनेंगे, या फिर जो मोदी की लहर है वह उनको रोकेगी। और एक तरीके से हम बात करें कि जो गठबंधन तैयार हो रहा है, क्या गठबंधन मोदी लहर को रोक पाएगा? आज के इस टॉपिक पर हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मोदी सबसे सब चीजें उसके पास है, हर चीज को, हर सबको, सबको साथ लेके चल रहा है बंदा। ये नहीं पार्टीबाजी नहीं कर रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको देखो इधर, सब सबको साथ में लेके चल रहा है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। मोदी क्यों होना चाहिए? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा किया? देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते देश के लिए कुछ हुआ ही नहीं है, केवल बर्बाद किया है। नहीं नहीं, बहुत काम मजबूती किया है, काफ़ी काम अच्छा किया है मोदी जी ने। मोदी जी अच्छा है। विपक्ष की जो महाबैठक हो रही है, सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए, क्या लगता है मोदी जी की लहर रोक पाएगा विपक्ष? नहीं रोक पाएगा जी, नहीं रोक पाएगा। मोदी जी आएगा, मोदी आएगा 2024 में। 400 के पार आएगा, 400 के पार नहीं आया तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। कहां जाएंगे? दुबई, अमेरिका, लंदन, लंदन कहीं भी चले जाएंगे। तुम कहते हो मोदी मीडिया है, अब तुम भी तो मोदी मीडिया हो भाई, तुम क्यों मोदी विरोध जला दो सारी न्यूज? चलो मोदी अच्छा है। गुंडाराज खत्म कर दिए, गुंडाराज संविधान खत्म कर दिए, सिस्टम को खत्म कर दिया आपने। इंशाल्लाह कांग्रेस का हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा 2024 के बाद, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जी बताइए 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों होना चाहिए? मोदी जी के अलावा कोई संभाल भी नहीं पाएगा इंडिया को। हाँ जी, बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल हैं पढ़े लिखे, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो देश को चलाना जानते हैं। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि देश कांग्रेस ही चलाना जानती है अच्छे से, अनुभव भी। मोदी जी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। क्यों राहुल गांधी होना चाहिए? युवा है। युवा जी, राहुल गांधी युवा नेता है, देश के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं जी। के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी जब से आया जब से अच्छा नहीं लग रहा है।